आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं वो किस तरह से बनाई जाएगी। सबको ठंडा खाने का मन करता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम। आइए देखते हैं किस तरह से बनाई जाएगी। हमने 2 कप दूध लिया है, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं और टूटी फ्रूटी ली है। हमने 1/4 कप चीनी ली है और 1/2 कप हमने फ्रेश दूध की मलाई ली है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें दूध डालेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। फिर उसको मिक्स करेंगे और दूध के साइड में जो मलाई आ जाती है वो स्पैटूला की मदद से दूध में ही डाल देंगे। अब हम इसमें 5 चम्मच चीनी के डालेंगे। दूध लेंगे, उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ रहा है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमको कस्टर्ड पाउडर थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाना है और हिलाते जाना है। अब हमारा दूध 3 से 4 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए दूध अब गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा करेंगे। तब हम इसमें इसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। हमको इसको 3 से 4 सेकंड ही मिक्सी में घुमाना है। अब हम इसमें फ्रेश मलाई डालेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं अमूल की। अब हम इसको 3 से 4 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाएंगे। अब हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे और इसको उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसको फॉइल पेपर से कवर करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर लीड लगाकर इसको बंद कर देंगे। हमने इसके ऊपर फॉइल पेपर इसलिए लगाया ताकि इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल ना जमे। अब हम इसको 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको एक कटोरी में सर्व करेंगे। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ, ये इतना बढ़िया टेक्सचर आया है, सेम ये मार्केट जैसी लग रही है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे और कटे हुए बादाम डालेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये सेम मार्केट जैसा टेस्ट देगी।
अगर आप इस तरीके से कस्टर्ड आइसक्रीम बनाएंगे तो ये आपको मार्केट जैसा टेस्ट देगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।